हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, किंग ऑफ डिविडेंड शेयर्स। अगर कोई शेयर इतना बढ़िया डिविडेंड देता है कि आपको वो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, आपकी सेविंग बैंक अकाउंट पे जो आपको ब्याज मिलता है, और या फिर आप फिक्स डिपॉजिट करो उस पर जो ब्याज मिलता है, उन सबसे ज़्यादा आपको डिविडेंड दे देगा ये। बाकी रिटर्न अलग बात है। तो आपको कैसा लगेगा, मतलब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और उसमें आपको 14 रुपये 15 रुपये का डिविडेंड दे रहा है अल्टीमेट, तो इसको आप किंग ऑफ डिविडेंड शेयर्स तो कहोगे ही कहोगे। चलिए जानते हैं कौन सा ये शेयर है जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ डिविडेंड शेयर्स। तो क्या खास है इसमें, क्या डिटेल्स हैं, उन सब पॉइंट्स को जानते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आज की डेट 16 मई 2019। ये देखिए, स्टॉक का प्राइस 145, लेकिन डिविडेंड का परसेंटेज देखिए कितना है। डिविडेंड का परसेंटेज है 14.51%। मतलब भैया, हर 100 रुपये पे 14-15% का डिविडेंड, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा। आप सोचोगे, हाँ भाई, ये तो भाई फिक्स डिपॉजिट से भी ऊपर का डिविडेंड है। अगर आप स्टॉक को देखोगे तो ये 1,37,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 22% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, और पीजी रेशियो देखिए 0.21, अर्निंग पर शेयर 17-18 रुपये का, बेहतरीन। अब ये स्टॉक मेजरली इसका काम जो है, अब आप देख रहे होंगे जितना भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन रिफाइनिंग, ये सारा काम इसका है इंडियन ऑयल। अब इंडियन ऑयल जब देखें, रिफाइनिंग एंड ऑल का बिजनेस तो है, लेकिन मेन बात ये है, जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इन शेयर में दिक्कतें जरूर आती हैं। ये सब कुछ क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑल दो पूरी मार्केट ही क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, बट ये डायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक की सबसे मेन बात है, 17 मई को इसके रिजल्ट आने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, और रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड डिक्लेयर करता है। अब आप डिविडेंड की हिस्ट्री देखें इसकी, तो आप खुद देखिए, अभी मार्च में ही इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया, उससे पहले दिसंबर में 6.75 रुपये का डिविडेंड दिया, उससे पहले मई में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो आप यहाँ पे ये देखिए, पिछले साल अगर पूरा डिविडेंड देखा जाए, इसने 19 रुपये का डिविडेंड एक बार दिया था, 2 रुपये का एक बार दिया था, और 1 रुपये का एक बार, तो टोटल 19 और 3 22 रुपये का डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया था पिछले पूरे साल में। आप देखिए किस तरीके से ये डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि इतना कम प्राइस का शेयर और 20-20 रुपये का डिविडेंड दे दे रहा है, तो भाई बहुत बढ़िया बात है ही है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस रिजल्ट के साथ कितना डिविडेंड आ सकता है, तो पिछले साल तो इसने मई में 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2017 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो इस बार भी 1-2-3 रुपये का ही डिविडेंड आने की उम्मीद है इस 17 मई वाले रिजल्ट के साथ साथ। अगर आप प्रॉफिट इसका देखें तो कुछ इस तरीके से देखिए, 16,000 करोड़ का प्रॉफिट, 22,000 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, इस बार थोड़ा प्रॉफिट कम होने की उम्मीद यहाँ पे है। अब हम डिविडेंड तो हमने देखा, टेक्निकल लेवल पे शेयर को देखते हैं। यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें खास आपको बताने का काफ़ी सही चीज़ें लग रही है, जो टेक्निकली काफ़ी चीज़ें। सबसे पहले अभी का स्टॉक, इसका प्राइस अगर देखा जाए तो 105 का इसने लो बनाया था, उसके बाद रिकवरी जरूर हुई है, 168-170 तक जरूर गया था ये, लेकिन इस स्टॉक में देखें तो RSI स्ट्रॉन्ग बिल्कुल लो से धीरे धीरे करके अप मूव कर रहा है। मतलब RSI का जो है सपोर्ट लेवल आ रहा है, मतलब थोड़ा और करेक्शन अगर आता है इसमें 10-20 रुपए का, तो ये RSI के अपने सपोर्ट जोन में आएगा। और दूसरी चीज, जब इसने 2017 में गिरावट देखने को मिली थी, ये शेयर 223 रुपए के आसपास था, उसके बाद ये लो बन के फिर इसने एक नया हाई बनाया 231 रुपए का। इन दोनों हाई देखिए, हल्का सा हाई जरूर है। यहाँ पे एक बात मैं RSI के साथ बताना चाहता हूँ आपको, RSI वैल्यू अगर आप देखोगे तो जो पहला हाई था वहाँ पे RSI अच्छी खासी थी, कितनी थी, ऑलमोस्ट 81 के आसपास, लेकिन अगले हाई पे RSI बहुत वीक हो गई, तो इसको कहते हैं बियरिश डाइवर्जेंस। यहाँ का मतलब कि अगर सेकेंड टर्म में जब ये ऊपर गया, आपके पास बहुत मौका था वापस निकलने का, भैया इसने बना लिया इतना अपने वापस हाई, अब निकल लो इस शेयर में से। तो ये आज जब भी इस तरीके से आपको कोई सिचुएशन देखने को मिले, तो वो एग्जिट करने का टाइम होता है। एग्जिट करने का टाइम ये होते हैं बेयरिश डाइवर्जेंस, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि स्टॉक गिर रहा है, RSI बता रहा है, लेकिन ग्राफ आपको नहीं बता रहा है, चार्ट नहीं बता रहा है, कौन बता रहा है, RSI स्ट्रेंथ बता रही है आपको। चलिए अब हम IOCL की बात करें, अगर ये शेयर 145 के आसपास ऑलरेडी जा चुका है, गवर्नमेंट का ये शेयर है, ज़बरदस्त होल्डिंग प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की इसमें है, और वहीं पर देखा जाए तो जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है वो कौन है इसमें, रिलायंस जबरदस्त होल्डिंग, ऑयल एंड ONGC की भी इसमें 14% की होल्डिंग है, LIC की 6-6.5% की होल्डिंग, ICICI, ऑयल इंडिया लिमिटेड, IOC शेयर ट्रस्ट, तो ये सब बड़े बड़े शेयर होल्डर्स इसमें हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। अगर हम यहाँ पे देखा जाए इसकी डिटेल्स,
तो 52% प्रमोटर के होल्डिंग, नॉन इंस्टीट्यूशन के 26% होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनीज, एफआईआई, म्यूचुअल फंड, इवन एफआईआई तो 583 एफआईआई ने इसमें पैसा लगा रखा है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डिविडेंड का किंग है ये, और रिजल्ट आने वाला है 17 मई को, जिसमें डिविडेंड फिर से डिक्लेयर हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपनी राय इस स्टॉक के डिविडेंड के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।